हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के बायोलॉजी। आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो है अपना इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर कम्प्लीट किया था। सो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम इसमें सीखते हैं कि क्या हमारा जनरल डिस्कशन जो रहेगा आज का लेक्चर, उसमें हम पहले सीखेंगे जनरल टर्म्स इस चैप्टर के बारे में हमें क्या क्या दिया है डिस्कस करने को, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो पता ही है कि अर्थ जो है एक ही प्लेनेट है जो अभी तक नून है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं जो हमारी सिर्फ हमारी अर्थ में पाई जाती है, ठीक है। तो सपोज हम बात करेंगे जो अर्थ के क्रस्ट का जो अपर वाला पार्ट है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। सिंपल से एक टर्म है, आपको याद रखनी है, अर्थ के क्रस्ट का जो अपर वाला पार्ट होता है, ठीक, हार्ड जो रॉकी पार्ट होता है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक। सेकेंड टर्म है कि वाटर के बारे में तो आपको पता ही होगा, अर्थ का 75% जो है कवर्ड है वाटर से, ठीक है, चाहे वो सी वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, एक्स्ट्रा जो भी हो, तो सब जो वो कंपोज है उसकी वो है 75%, वो उतना एरिया कवर करता है अर्थ के सरफेस का। तो जो ये सारा जो सारा वाटर है उसको हम कलेक्टिवली जो है हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, और ये भी आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है एक एयर की ब्लैंकेट से जो है कवर्ड है, ठीक, उस एयर की ब्लैंकेट को हम एटमोसफेयर बोलते हैं। तो ये सिंपल से टर्म से जो हमें पहले ही पता होती है और ये ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी अब ये टर्म अगर हमें पता है तो हम अब डेफिनेशन पे आ सकते हैं। अर्थ 75% कवर्ड इज वाटर पहले डिस्कस किया, अब हम आ जाएंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, ठीक है। तो अब बायोस्फीयर के लिए ये टर्म्स हमें पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि बायोस्फीयर की डेफिनेशन में यही है, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ, ठीक है, वायर द एटमोसफेयर द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल, ठीक है। बायोस्फीयर वो जोन है, या आप उसे कलेक्टिवली ये कह सकते हो लाइफ सपोर्टिंग जोन, ठीक, जहां पे लाइफ को सपोर्ट किया जाता है। बायो के यहाँ पे मीनिंग लाइफ के हैं, तो जहां पे लाइफ को सपोर्ट किया जाता है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब बायोस्फीयर वो जोन है जहां पे लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर आपस में इंटरेक्ट करके एक कंडीशन क्रिएट करते हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप कहीं पे देखोगे कि वाटर है जो है, एयर के एटमॉस्फेयर है लिथोस्फीयर को, तो क्या वहां पे लाइफ जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर के मायने ये नहीं है कि वहां पे वो वाली कंडीशन जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर एक एयर की ब्लैंकेट है, ठीक है। अब अर्थ पे क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की एक प्रॉपर कंपोजिशन है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। तो बायोस्फीयर वो वाला पार्ट है जहां पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, सॉरी लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि लाइफ की पॉसिबिलिटी वहां पे हो जाती है, लाइफ जिन लाइफ को जो कंडीशन चाहिए वो वहां पे क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम फिर बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म थी हमारी हमारी जो चैप्टर में, पहली इंपॉर्टेंट टर्म है बायोस्फीयर, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर जो है दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स को कंस्टिट्यूट करते हैं, दो टाइप के यहाँ पे जो है हमें थिंग्स मिल सकती हैं, या तो वो बायोटिक होंगी या तो एबायोटिक होंगी, ठीक है, या तो वो लिविंग होंगी, जिंदा होंगी, या तो वो नॉन लिविंग होंगी, ठीक है। अगर हम लिविंग की बात करेंगे तो हम ह्यूमंस यहाँ पे लिविंग है, वहां पे ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स जो बाकी सारे स्पीशीज है वो लिविंग है, तो वो वहां पे जो है बायोटिक वाला कंपोनेंट कंप्राइज करते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे एयर, वाटर, विंड्स, ठीक है, सॉरी लैंड, तो ये सारे जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उस बायोस्फीयर के, ठीक। तो बायोस्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बायोस्फीयर दो पार्ट से बनाया जाता है, बायोस्फीयर के दो पार्ट्स होते हैं जो उसे कंस्टिट्यूट करते हैं, एक बायोटिक होता है, एक एबायोटिक होता है, ठीक। बायोटिक होता है जो लिविंग वाले कंपोनेंट्स होते हैं, और एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। दोनों का होना जरूरी है एंड दोनों की इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है उस बायोस्फीयर को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसी तरह अब तो बायोस्फीयर जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, एनिमल किंगडम किया है, प्लांट किंगडम किया है, तो जो ब्रॉडली जो कैटेगरीज है वो हमने डिस्कस की है।
अब हम आ जाएंगे जो है एबायोटिक फैक्टर्स पे। तो एबायोटिक फैक्टर्स आपको पता ही है कि क्या क्या है। एक तो है एयर है, विंड है, सॉरी एयर है, वाटर है, ठीक है, लैंड है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर को, ठीक। बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। सपोज ऑक्सीजन है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, नाइट्रोजन है, ठीक। ये सारे एयर को कंस्टिट्यूट करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस पाए जाते हैं। तो ये बेसिस नहीं है, एटमॉस्फेयर या गैसेस का प्रेजेंस जो है ये बेसिस नहीं है लाइफ होने के, ठीक है। पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में, पर्टिकुलर अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं गैसेस, वो लाइफ की पॉसिबिलिटी जो है जनरेट करते हैं। सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंपोजिशन ऑफ ईयर रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कंपोजिशन ऑफ ईयर जो है ये रेस्पॉन्सिबल है, ईयर की प्रेजेंस रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि एटमोसफियर और भी प्लैनेट्स पे प्रेजेंट है लेकिन वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे कंपोजिशन जो है वो कंपोजिशन डिस्टर्ब है, वो कंपोजिशन वैसी नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि कंपोजिशन ऑफ एयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। सपोज अगर हम बात करेंगे, वीनस और मार्स पे भी एटमॉस्फेयर है, वहां पे भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो मेजोरिटी जो है, जो मेजर प्रपोर्शन में गैसेस वहां पे प्रेजेंट है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे है वीनस एंड मार्स में 95-97% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो गैसेस तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन ये लाइफ की गारंटी नहीं देते हैं। लाइफ की गारंटी कंपोजिशन देती है, कंपोजिशन, प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ गैसेस, प्रॉपर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। CO2 प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन एंड कंबशन। CO2 जो प्रोडक्शन हमारी अर्थ पे होती है, CO2 कहाँ से आता है? तो मेनली या तो CO2 आपकी रेस्पिरेशन से आ जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने, तो और प्रोकैरियोटिक, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो वो ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है एटमोसफेयर में, ठीक, ये हमने डिस्कस किया था। और कंबशन, कंबशन में आपका जो हम फ्यूल्स यूज करते हैं जलाने के लिए या फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ये जो सोर्स है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के हमारी अर्थ पे, लेकिन स्टिल इसकी जो कंपोजिशन है ये ओनली 0.04% ही कंस्टिट्यूट करता है हमारे एटमोसफेयर का, ठीक है। तो रेस्पायरेशन एंड कंबशन ये दो वे से जहां से CO2 प्रोड्यूस होता है। एंड इज यूज्ड कहाँ पे यूज होता है फिर? लेकिन एक तो ग्रीन प्लांट यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा जब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, तो हमने बोला था कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और फिर शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। एंड सम एक्वाटिक और सी एनिमल्स, सम एक्वाटिक या सी एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजोल्व होता है वाटर में उसको यूज करते हैं अपने शेल्स बनाने के लिए, ठीक। जहां पे वो कार्बोनेट का यूज करते हैं, उसको कार्बोनेट में कन्वर्ट करके अपने शेल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन एंड कंबशन से प्रोड्यूस होता है और ग्रीन प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स से वो डिस्ट्रॉय होता है या खत्म होता है या कम हो जाता है। एटमोसफियर हैज रोल इन क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक। क्लाइमेट कंट्रोल जो हमारा है, विंड्स, रेन, एक्स्ट्रा स्नो जो भी है, वो उसका जो है एटमॉस्फेयर का उसमें एक मेन रोल है। एटमॉस्फेयर की जो है डिफरेंट हीटिंग पैटर्न से ही वो हो जाता है, हम नेक्स्ट वही पढ़ेंगे। मून एंड अर्थ आर एट द सेम डिस्टेंस। अब जो एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, एटमॉस्फेयर हमें क्या क्या देता है, एटमॉस्फेयर से हमें क्या फायदे मिलते हैं? एटमॉस्फेयर ही हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारी अर्थ पे, क्योंकि ये जो है ज्यादा अर्थ को एक साथ हीट अप होने से बचाता है और बहुत जल्दी जो है कम टाइम में कूल होने से भी रोक देता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, अर्थ ज्यादा कूल नहीं हो पाती है और ज्यादा हीटअप भी नहीं हो पाती है, इट इज बिकॉज ऑफ एटमोसफेयर। तो यहाँ पे है मून एंड अर्थ जो है आर एट सेम डिस्टेंस, ये दोनों एक ही डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट, ठीक, सन से एक ही डिस्टेंस पे है फ्रॉम सन। बट ड्यू टू नो एटमोसफेयर मून टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -192 to 110 degrees। इमेजिन कर लो आप, अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ का टेम्परेचर भी -190 to 110 degrees तक चला जाता, तो लाइफ पॉसिबल थी ही नहीं। तो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, हमारा जो, हमारी जो अर्थ है
ये ना तो कम टाइम में ज्यादा कूल हो पाती है और ना ही कम टाइम में ज्यादा हीटअप हो पाती है। तो इससे एक बैलेंस टेम्परेचर रेंज जो रहती है हमारे अर्थ पे वो रेस्पॉन्सिबल है लाइफ के लिए। तो ये यहाँ पे एक आइडिया देने के लिए ये स्टेटमेंट लिखा गया है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विंड्स। ठीक, विंड्स का भी इसी एयर के साथ ही कनेक्शन है और ये इसी की अनइवन हीटिंग्स की वजह से जो है विंड्स का फ्लो हो जाता है। विंड्स एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट कर पाती है। तो सबसे पहले ऑल द फिनोमेना लाइक ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड, टेरिबल स्टॉर्म्स आर ड्यू टू चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर। ठीक, जो भी फिनोमेना है, सपोज ब्रीज है, स्ट्रॉन्ग विंड है, या टेरिबल स्टॉर्म है, एयर स्टॉर्म है, तो वो जो है अनइवन हीटिंग से, या हम कह सकते हैं ड्यू टू हीटिंग जो है ऑफ एयर, उसकी वजह से हो जाता है। वो कॉज है उन विंड्स के फ्लो होने का, उन विंड्स के जो है वो उन विंड्स के ओरिजिनेशन का। तो एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड, एक पॉइंट लिखा है, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट रिफ्लेक्टेड बैक और रीएमिटेड बाय लैंड एंड वाटर बॉडीज। ठीक है, दिस लीड्स टू द बिल्ड अप ऑफ कन्वेंशन करंट्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर को जो है हीट हो सकता है। एटमॉस्फेयर, आपको ये पता होगा कि जब अर्थ पे जो है रेडिएशन सन की आ जाती है तो कुछ पोर्शन जो है अर्थ रिफ्लेक्ट करती है एंड कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करती है। जो वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेड रेज जो है रिफ्लेक्ट होता है और वो हीटिंग रेज होती है, वो हीट अप कर पाती है किसी चीज को। तो यहाँ पे जो रेज अर्थ या वाटर बॉडीज, लैंड या वाटर बॉडीज जो है रिफ्लेक्ट करती है, वो उस एयर को हीट अप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है जो उसके ऊपर होता है, उसके साथ में हो जाता है एयर वाला, वो वाला लेयर हीट अप हो जाता है उन रेज से। ठीक, अगर लैंड जो है कोई रेज रिफ्लेक्ट करती है तो जो सबसे पहला वाला लेयर है वो उस एयर, वो वाला एयर उस उन रेज को लेके जो है हीट अप हो जाता है। वो हीट अप होने के साथ क्या करता है, एयर ओवर द लैंड इज हीटेड फास्टर देन ओवर वाटर। जो लैंड है, यहाँ पे लैंड की ये प्रॉपर्टी है कि लैंड जल्दी ही हीटअप भी हो जाता है, जल्दी ही कूल भी हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में क्या होता है, वो टाइम लेते हैं हीटअप होने में एंड टाइम लेते हैं कूल होने में। तो यहाँ पे जो लैंड के ऊपर जो वाला एयर होता है वो बहुत जल्दी ही जो है हीटअप हो जाता है एंड राइज करने लगता है। इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे, कोस्टल एरियाज में डे के वक्त क्या होता है, जब डे होता है, द एयर अबव लैंड इज हीटेड फास्टर। जो एयर लैंड के ऊपर होता है वो फास्टर हीट अप हो जाता है। ठीक है, सिंपल टर्म में ये आपको याद रखना है, पहले लैंड के ऊपर जो एयर होता है वो जल्दी हीट अप हो जाता है, और क्योंकि ये लैंड की प्रॉपर्टी है वो जल्दी हीट जो है गेन भी करता है और जल्दी हीट को लूज भी करता है लैंड एज कंपेयर टू वाटर। तो अबव द लैंड इज हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग, ये स्टार्ट करता है राइज करना। जब ये हीट अप हो जाता है, ये हल्का हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, ये ऊपर ऊपर जाने लगता है। दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर ग्रेडियंट ओवर लैंड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस आ जाती है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है सी और जो है लैंड के बीच में। यहाँ पे दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर ग्रेडियंट ओवर लैंड, लैंड के ऊपर लो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है एंड एयर ओवर सी मूव्स टू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर। और एयर जो सी के ऊपर होता है, जो एज कंपेयर टू लैंड जो है इज जो है कम हीट अप हुआ है, वो मूव करता है टुवर्ड्स लैंड। ठीक, दिस क्रिएट्स विंड्स, सो ड्यूरिंग डे डायरेक्शन ऑफ विंड्स इज फ्रॉम सी टू लैंड। ये विंड क्रिएट करने में हेल्प करता है, यही विंड क्रिएट करता है, ये जो डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस आ जाती है एयर अबव द सी एंड एयर अबव द लैंड, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है और इससे विंड्स क्रिएट होती हैं। ये विंड्स क्रिएट होती है दिन में, इनका इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, दिन में ये सी से लैंड की तरफ आ जाती है एंड जो है नाइट में भी इसका जो है वाइस वर्सा, इसका आप देख सकते हो कि क्या होगा, क्योंकि जो है वाटर जो है एयर अबव द वाटर वो है वो स्लोली कूल हो जाएगा एंड जो एयर अबव द लैंड है वो बहुत जल्दी कूल हो जाएगा।
ये जो है मेन काज है विंड क्रिएट होने का, विंड क्रिएशन के लिए मेन काज यही है जो प्रेशर डिफरेंस आ जाती है। इसके अलावा भी जो है और सारी चीजें हैं, सपोज रोटेशन ऑफ अर्थ या प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, ये भी इफेक्ट करते हैं विंड फॉर्मेशन को। सपोज जो जो ये प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स है ये प्रिवेंट करती है जो मॉनसून विंड्स होती है उनको नॉर्थ में आ जाने के लिए, ये प्रिवेंट करती है, ये हिमालय जो है ये उनको नॉर्थ में आने से रोकती है, और नॉर्थ नॉर्थ वाला एरिया जो है जो हिमालय के इस साइड से है वहां पे मॉनसून नहीं आ पाता है। तो ये जो है इस पे भी डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है कि विंड की स्पीड क्या होगी, विंड की डायरेक्शन क्या होगी। तो विंड में मुझे लगता है इतना एनफ है विंड। और अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वाला, वो है रेन। ठीक, क्योंकि रेन एक कॉमन फिनोमेना है हम जानते हैं, तो इसलिए मैं इसके पॉइंट जो है लिखे नहीं है। मैं सिंपल वेज में आपको बताना चाहूंगा कि रेन जो है ये किस तरह रेन की फॉर्मेशन होती है और क्या कॉजेस हो जाते हैं इसके लिए। तो अगर आपने समर में देखा होगा कि क्या करते हैं, आप कोई गिलास है जिसमें हमने आइस डाल दिया है, तो आप ये अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसके जो है वॉल्स पे, आउटर वॉल्स पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ठीक, कभी आपने अगर वंडर किया होगा ये कहाँ से आ गए ये ड्रॉपलेट्स, अगर हमने ग्लास के अंदर आइस डाली है तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से बाहर आ गए, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एटमॉस्फेयर से आ जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और जो कंडीशंस होती है वहां पे आइस है वो कोल्ड हो जाता है। ठीक, वो कूल होता है वो वाला एटमॉस्फेयर वहां पे, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आके कंडेंस हो जाते हैं। ठीक, हम प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं जब वाटर वेपर इन द जो है रेन में कन्वर्ट हो या वाटर में कन्वर्ट हो, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी वही चीज हो जाती है, जो वाटर वेपर्स सी से उठते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, या जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के थ्रू चले जाते हैं, या एनिमल्स जो है अपने जो हम आउट ब्रीथ करते हैं उसके साथ भी हम वाटर वेपर जो है छोड़ते हैं, तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये एयर में एक्यूमुलेट होकर ऊपर चले जाते हैं एयर के साथ साथ। जब हमने यहाँ पे बोला था एयर राइज करता है तो वाटर वेपर्स भी उसी के साथ राइज करते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में चूंकि एयर की डेंसिटी कम होती है, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी वो कम हो जाती है, तो वहां पे टेम्परेचर वेरिएशंस ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे उन्हें कूल टेम्परेचर मिल जाता है और वो कंडेंस हो जाते हैं। अब कंडेंस वो मोस्टली क्या होता है, जो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एज अ न्यूक्लियस काम करते हैं और वो उन्हीं पार्टिकल्स पे कंडेंस हो जाते हैं, और ये कंडेंसेशन जो है तब तक होती रहती है जब तक एटमॉस्फेयर में वहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट है और कंडीशंस वो है कोल्ड कंडीशंस है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्युमुलेट होते जाते हैं, और एक टाइम ये आ जाता है कि उसकी इतनी जो है इतना उसका वजन हो जाता है कि वो नीचे गिरने की कैपेबिलिटी रखता है और वो नीचे गिर जाता है और वो इन द फॉर्म ऑफ रेन हमें मिलता है। अब यही जो है रेन ड्रॉपलेट जो है वहां पे जब एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर टेम्परेचर और ज्यादा लो हो गया तो हमें इन द फॉर्म ऑफ स्नो या हेल भी ये मिल सकता है। तो यही काज है रेन फॉर्मेशन का, और इसी वजह से रेन जो है कंडेंस होके वाटर वेपर्स नीचे आ जाते हैं। ठीक, तो ये मुझे लगता है इसमें इतना एनफ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर में मुझे लगता है इतना एनफ है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे, और आपसे यही जो है रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करके जाना है ताकि जो नेक्स्ट वाला वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, एंड आप हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम जो है या टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।